हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक दो नहीं बल्कि तीन बार भिड़ते हुए हमें नजर आने वाले हैं। तो जानते हैं दोस्तों कैसा रहेगा एशिया कप का यह रोमांचक सफर, पूरी डिटेल के साथ इस छोटी सी वीडियो में। लेट्स गो। एशिया कप का 2023 संस्करण 6 टीमों का एक दिवसीय टूर्नामेंट 30 अगस्त को मुल्तान में शुरू होगा, जहां मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल से होगा। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में खेला जाना है दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान को 4 मैचों की मेजबानी मिली है। वहीं श्रीलंका को फाइनल सहित कुल 9 मैचों की मेजबानी मिली है, जिसके मैच हमें कैंडी और कोलंबो में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान के मैचों की बात करें दोस्तों, तो सभी फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें एशिया कप में एक दो नहीं बल्कि तीन बार भिड़ने वाली है दोस्तों, जिसकी शुरुआत 2 सितंबर को कैंडी में होने वाली है, जिसमें अपने ग्रुप मैच में कट्टर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने सामने नजर आने वाले हैं। तो जानते हैं दोस्तों भारत और पाकिस्तान कौन कौन सी डेट को आमने सामने नजर आएंगे। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो बढ़ चलते हैं दोस्तों हम अपनी वीडियो की ओर। एशिया कप 2023 के तारीखों का ऐलान हो चुका है और एशिया कप में सभी टीमों को अपने अपने मैचों की तारीखें भी मिल गई है। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा, पर दोस्तों एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच होने वाले पहले मुकाबले से शुरू होगी, जो कि मैच मुल्तान पाकिस्तान में खेला जाना है। पाकिस्तान को कुल 4 मैचों की मेजबानी का अवसर मिला है, जिसमें एक मैच सुपर 4 का भी देखने को हमें मिलने वाला है। एशिया कप 2023 राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। भारत, पाकिस्तान और नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में से प्रत्येक से 2 टीमें सुपर 4 राउंड में प्रवेश करेंगी और 17 सितंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए फाइनलिस्ट का निर्धारण करने के लिए राउंड रॉबिन प्रारूप में फिर से सभी विरोधियों से भिड़ने वाली है। यदि भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए से सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो वे 10 सितंबर को कोलंबो में दूसरी बार आमने सामने होंगे। सुपर 4 की शीर्ष 2 टीमें एशिया कप 2023 फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली है। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों 17 सितंबर को कोलंबो में होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए अपनी जगह पक्की कर लेते हैं, तो प्रशंसकों के लिए 15 दिन के भीतर तीसरी बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो सभी फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है दोस्तों, कि भारत और पाकिस्तान का मैच हमें इन 15 दिनों में ही तीन बार देखने को मिलने वाला है। 2023 एशिया कप क्रिकेट फैंस के लिए काफी खुशियां लेकर आया है दोस्तों, जो कि सभी फैंस के लिए काफी अच्छा पल होने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं दोस्तों? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, उम्मीद है आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। होप अगर सभी कुछ सही हिसाब से चलता रहा तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने हमारे लिए काफी रोमांचक होने वाला है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।